गाजीपुर से प्रदीप दुबे, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। गाजीपुर देशी शराब के सेल्समैन की धारदार हथियार से हत्या। गाजीपुर जमानिया कोतवाली क्षेत्र के सराय मुराद अली गांव की लोहारी शहीद स्थित देशी शराब दुकान के सेल्समैन कन्हैया सिंह 26 वर्ष की गर्दन पर चाकू रेत कर गुरुवार की सुबह 6 बजे दिनदहाड़े बदमाशों ने मौत के घाट उतार कर दिलदार नगर की ओर भाग निकले। सूचना पर दल बल के साथ पहुंचे क्षेत्राधिकारी सुरेश शर्मा व कोतवाल राजीव सिंह ने शव को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया। इसके बाद घटना के जांच में जुट गए। देशी शराब की दुकान के सेल्समैन कन्हैया सिंह शराब की दुकान में अपने एक साथी के साथ रहते थे। सुबह दोनों शौच के लिए चले गए। कन्हैया लौट कर दुकान के बगल में स्थित चाय की दुकान पर चाय पीने चले गए। इसी बीच दो बाइक से पहुंचे तीन बदमाश दुकान पर बैठ गए और दुकानदार से चाय मांगकर चाय पीने लगे। मौके की नजाकत को भांप पते हुए एक बदमाश ने अचानक चाकू निकालकर सेल्समैन के गर्दन को रेत दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। सेल्समैन को लहूलुहान होते देख चाय दुकानदार डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब तक लोग पहुंचे तब तक बदमाश बाइक से दिलदार नगर की ओर भाग निकले। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि सेल्समैन की हत्या क्यों और किस कारण से की गई, यह पुलिस या जांच का विषय है। लोग यह कयास लगा रहे थे कि कभी शराब खरीदने को लेकर हुए विवाद में कन्हैया की हत्या तो नहीं की गई। सेल्समैन बिहार के समस्तीपुर जनपद के बमौरा विद्यापति नगर का निवासी है। एक वर्ष से दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता था। इस बारे में पूछे जाने पर कोतवाल राजीव सिंह ने बताया, शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच की जा रही है। अली गांव में जो देशी शराब की दुकान के सेल्समैन की हत्या हुई है, तो क्या मामला है? इस जनपद गाजीपुर के सराय मुराद अली गांव, जो जमनिया थाने के अंतर्गत आता है, देशी शराब का ठेका है। इसके सेल्समैन कन्हैया जो समस्ती बिहारपुर के रहने वाले थे, वो सवेरे शौच के बाद यहाँ तीन फीट के नीचे बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने आकर के धारदार हथियार उनके गले पर प्रहार करके साइकिल से आए थे और हत्या कर दी है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को नामित करके थाना जमनिया पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और बताया जा रहा है कि रात में ये लोग आए थे, शराब मांगे थे और इससे पहले भी इसे अवैध रूप से शराब मांगते थे और चाहते थे कि इनको शराब दे दिया करें। इस संदर्भ में ही उन्होंने लेकर के, जब उसने सेल्समैन ने इनका सहयोग नहीं किया तो इसको लेकर के हत्या की है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो लोग होंगे शीघ्र ही गिरफ्तारी करके इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन पर।